लड़के जितने भी स्टूडेंट हैं, आम सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट जो है भर्ती न्यूज़ निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है 13,352 जो है शिक्षकों के बम्पर पदों पर भर्ती जो है आप सभी स्टूडेंट के लिए निकला है। तो जो भी स्टूडेंट CG व्यापम एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए 13,352 पदों पर जो है एक नई भर्ती निकल कर आया है। इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊँगा कि आपके पास जो है कौन से क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो 13,352 नई शिक्षक का भर्ती जो आप लोगों के लिए निकला है, किस तरह से आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आवेदन कब, आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि क्या होगा और आवेदन करने के लास्ट डेट क्या होगा, और 13,352 पदों के लिए आपका एग्ज़ाम जो है कब होना है, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न है क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से होगा और कटअप जो है कितना जाएगा, आयु सीमा कितना होना चाहिए, मिनिमम एज लिमिट और मैक्सिमम एज लिमिट। तो छत्तीसगढ़ में जो है 13,352 शिक्षकों के पदों पर जो है बम्पर भर्ती अपडेट निकल कर आप सभी स्टूडेंट के लिए आया है। तो सबसे पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ योग्यता के बारे में। तो यदि आप 13,352 शिक्षकों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले तो आपका जो है ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास जो है होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त, यदि आप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हैं तो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपके पास जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, आपका स्नातक की डिग्री पूरा होना चाहिए और इसके साथ आपका जो है बीएड होना चाहिए। बीएड जो है कंपलसरी इंपॉर्टेंट होता है बीएड, और बीएड के साथ आपका जो है टेट एग्ज़ाम्स भी क्वालिफाइड होना चाहिए। टेट का मतलब होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टेट एग्ज़ाम्स भी आपका जो है क्वालिफाइड होना चाहिए। यदि आपका CGTET या फिर CTET दोनों में से कोई एक एग्ज़ाम्स क्वालिफाई है तो चलेगा। CTET यदि आप एक बार क्वालिफाई करते हैं तो ज़िंदगी में आपको कभी भी टेट एग्ज़ाम दिलाना नहीं पड़ेगा, और जब भी टीचर्स का भर्ती आता है आप आसानी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वहीं यदि आप CGTET एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करते हैं तो आपको CGTET एग्ज़ाम्स की CGTET एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के बाद आपको जो उसे 7 साल का वैलिडिटी दिया जाता है, 7 साल तक जब भी टीचर को वैकेंसी आता है आप उसमें आसानी से आवेदन कर सकते हैं। अब आयु सीमा की बात करें तो टीचर्स भर्ती के लिए मिनिमम 21 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम 40 वर्ष होना चाहिए आपका एज। आयु सीमा की छूट की बात करें तो यदि आप SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 5 वर्षों का छूट दिया जाएगा, OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 3 वर्षों का। तो यदि आप SC और ST कैटेगरी में आते हैं 45 वर्ष के आप आवेदन कर सकते हैं, OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 43 वर्ष के आप इसमें आसानी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। अब बात करें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो इसमें आपको बताना चाहता हूँ डायरेक्ट भर्ती होता है, सीधी भर्ती होता है। 13,352 जो शिक्षकों की नई वैकेंसीज निकला है उसमें तो छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी स्टूडेंट के लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट जो है 13,352 जो है नई शिक्षकों के पदों पर जो भर्ती निकल कर आया है। और बात करें आपके सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने अंकों के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो आगे मैं आपको सिलेबस पूरा कम्प्लीटली अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप लोगों को हर एक जानकारी जो है बहुत अच्छे से मिल पाए। टीचर भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आपके एग्ज़ाम्स में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होते हैं। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य हिंदी से 25 अंकों के प्रश्न आते हैं, सामान्य अंग्रेजी से भी 25 अंकों के प्रश्न, गणित विज्ञान और रीजनिंग से 30 अंकों के प्रश्न आएंगे एग्जाम्स में, सामाजिक अध्ययन से जो है 20 अंकों का, कंप्यूटर से 10 अंकों का और सामान्य ज्ञान से भी 10 अंकों के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें जिसमें आपके विकास की अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों के शिक्षण से संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। वहीं हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपका स्वर व्यंजन अक्षर वर्तनी संज्ञा समास मुहावरे लोकोक्तियाँ अपठित गद्यांश ये सभी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हिंदी के व्याकरण की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है दिल्ली IAS अकेडमी का बुक लेना है, जिससे आपकी हिंदी की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। और हिंदी में आपका मुहावरे और लोकोक्तियाँ ये आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और वहीं इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपका पूरा ग्रामर आता है, ग्रामर भी आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ग्रामर्स की प्रिपरेशन यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है इसेंशियल इंग्लिश रश्मि से दिशा पब्लिकेशन के लेना है, जिससे आपके इंग्लिश ग्रामर की तैयारी अच्छे से हो पाए। ग्रामर में आपका कंप्लीटली पूरा आएगा, जिसमें आपका नाउन प्रोनाउन टेंस वाइस नरेशन कंजक्शन प्रीपोजिशन आर्टिकल डिग्री क्वेश्चन टैग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट फिनिट वर्ब नॉन फिनिट वर्ब प्रेसिस राइटिंग ये सभी आपके संपूर्ण इंग्लिश के ग्रामर के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं।
तो आप जो है इसेंशियल इंग्लिश एसएमएस सी दीक्षा पब्लिकेशन के बुक जो है ले सकते हैं। इसके साथ बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैथ्स में आपका पूरा घातांक, बीजीय व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण श्रेणियां, ब्याज अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर, समय तथा दूरी, रेखा तथा कोण, समतली आकृति, सांख्यिकी, इनसे संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो मैथ्स की तैयारी करने के लिए आपको जो है डॉक्टर आर एस अग्रवाल का बुक आपको लेना है, जिससे आपकी गणित की तैयारी जो है अच्छे से हो पाए। वहीं हम रीजनिंग के बात करें तो रीजनिंग में आपका जो तार्किक वस्तुनिष्ठ अंगणित आता है, तो रीजनिंग के लिए आपको सबसे पहले अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें आपका वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल, ये सभी जानकारी आपका जो है बहुत अच्छे से बारीकी से एक्सप्लेन करके दिया जाता है। विज्ञान की बात करें जिसमें आपका बल एवं गति, वाष्पन, सुचालक, कुचालक, प्रकाश के स्रोत, ध्वनि के प्रकार, ध्वनि संचरण, चुंबक के गुण, धर्म, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, कोशिका विभाजन, मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र जिसमें आपका जैविक का जैविक घटक, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग जिसमें आपका खसरा, डिथीरिया, हैजा, टाइफाइड, रोगों से बचाव, संतुलित भोजन, ये सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो साइंस की तैयारी करने के लिए आपको जो है दृष्टि आईएएस का क्विक बुक लेना है, जिससे आपके साइंस के प्रिपरेशन जो अच्छे से हो पाए और आपको साइंस के बारे में नई नई जानकारी जो है मिल सके, जिससे विज्ञान में आपका नंबर अच्छे से आ पाए। सामाजिक अध्ययन की बात करें जिसमें आपका भारतीय समाज एवं संस्कृति, मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य, सामाजिक अध्ययन से 20 अंकों के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। वहीं हम बात करें अब कंप्यूटर्स के, तो कंप्यूटर्स में आपका कंप्यूटर्स के उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें आपका CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी, इंटरनेट के उपयोग, एंटीवायरस के उपयोग, मल्टीमीडिया के उपयोग, CD DVD की जानकारी जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर्स की प्रिपरेशन तैयारी करने के लिए आपको जो है परीक्षा बंधन कंप्यूटर एक परिचय लेना है, जिससे आपकी कंप्यूटर्स की तैयारी जो है अच्छे से हो पाए। सामान्य ज्ञान की बात करें इसमें आपका भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, ये सभी सामान्य ज्ञान में पूछे जाते हैं। तो सामान्य ज्ञान की तैयारी करने के लिए आपको कंपटीशन एकेडमी हरिराम पटेल सर के छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन लेना है, इससे आपके एग्जाम्स की तैयारी जो है अच्छे से हो पाए। तो आई होप जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को बताया, सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आया हो। अगर जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ आप लोगों को जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है शेयर कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और इसी तरह से मेरे चैनल पर आप सभी को वीडियोज़ जो है मिलते रहेंगे। सो थैंक यू आप सभी स्टूडेंट को, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।